गुड मॉर्निंग आज। अरे यार, सुबह सुबह मैंने फुंसी फोड़ ली। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फाइनली सारे काम पेपर वगैरह निपट गए, जैसे भी अच्छे बुरे एक। और मेरी अभी भी हालत ठीक तो नहीं हुई है, अभी जस्ट नेक्स्ट दिन में उठाऊँ सुबह। ऐसा कुछ नज़ारा है। गेहूँ बिछा रखे हैं और आज डेट है फरवरी, और फरवरी की भी कितने फरवरी वो तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, क्योंकि नहीं बताऊँगा, लोग लेट आएगा फिर आप गालियाँ दोगे। लेकिन ये बता देता हूँ, अभी मैं सुबह सुबह उठा, बाहर का ऐसा माहौल देखा, 10 बजने वाली है, वैसे 9:30 से होली। और ऐसे लग रहा है कि पिछली बार इस दिन हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे। पिछली बार सच्ची बताऊँ तो इस दिन, आज के दिन हम रूम चेंज करने में लगे हुए थे, और अब की बार देखो कितना बीमार हो रखा हूँ, क्या ही हालत में हूँ, क्या बताया जाए। 2024 और वो भी फरवरी, पिछले साल आज के दिन फरवरी में हम कहीं रूम चेंज कर रहे थे और आज देखो कहाँ है। वरना कि किसी को भी पता नहीं होता कि इंसान आगे अपने साथ क्या होगा, कहाँ रहेगा। और मेरी हालत बड़ी ख़राब हो रखी है, अभी तक ना गला खुल रहा ढंग से, ना आवाज़ ढंग से आ रही है, सिर इतना भारी हो रखा है कि भगवान जाने कहीं हो गया क्या करें। ओके जी, ना तो कि मैं होली हूँ रेडी, एक फुंसी भी होली है। तो एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है फिर से। तबीयत तो हालांकि अभी पूरी ठीक नहीं हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे भी आज मेरे को घर निकलना था, लेकिन गाँव तो गया नहीं, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड की शादी है, मेरे साथ बड़ा हुआ दोस्त है, तो सोचा चल लेते हैं यार उसकी भी शादी में। यार उसने 2-3 बार बोल दिया था उसकी शादी में चलते हैं आज, और फिर हाँ अभी मैं निकल रहा हूँ, फिर या तो शाम तक या फिर कल निकलेंगे। दिन में तो भी एक दोस्त और मिल रहा है, कई दिनों से पुराने दोस्त आज मिलेंगे, तो उसको साथ में लेते हैं फिर निकलता हूँ। तो अभी मैं नहा धो के निकल गया हूँ यहाँ से, अपने को ऑटो पकड़ना है, फिर आगे अपना भाई मिल जाएगा, उसके पास बाइक भी है गाड़ी भी है, वो देखते हैं कैसे जाते हैं, फिर पहुंचते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले आया था, यहाँ इतना साफ वगैरह कुछ नहीं था, और आप देखो कितना बदल गया यहाँ से यार। मेरे साथ पता ही नहीं हमेशा ऐसे क्यों होता है। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ उतर तो गया हूँ, वो मेरे दोस्त ने बोला था कि यहाँ कहीं उतर जाना, पीछे उतरने के लिए बोला था। जिस गाड़ी में मैं बैठ के आया था पहली बार, तो ऐसी गाड़ी में मैं पहली बार बैठा हूँ, पूरी कमर टूट के बैठे बैठे, बैठने की ढंग से जगह भी नहीं थी, और उसने साले ने आगे ला के उतार दिया, और वो जहाँ उतरना था वो जगह पीछे रह गई। हम पहुँच गए हमारे भाई के घर, इधर पीछे स्कूटी खड़ी की है वो देखो। फाइनली हम शादी में पहुंच गए, मेरा एक दोस्त कमीना जिसने तो आते ही ठोसना चालू कर दिया, शकल नहीं दिखाऊंगा, पहुंच गए शादी में, और वो हमारे दूल्हे राजा उधर बैठे हैं अपने भाई की जिसकी शादी अभी मिलवाता हूँ। उससे पहले मैं चाय पी लूँ क्योंकि मेरा गला नहीं खुल रहा। दोस्त ऐसे होते हैं बोल रहे थे मैंने नाश्ता लिया, मैं तो खाऊंगा ही नहीं, ये सबसे आगे यही लगा हुआ है, मेरे को तो पीछे छोड़ गया। हेलो सर, हेलो सर, कुछ कहना चाहोगे आप? यस भाई के ये घर में शादी है, हम घूमते घूमते इधर पीछे आ गए। ये अपने भैया जिनकी शादी है, और ये अपवाद ले आराम से देख लो उसको ऊपर से नीचे तक, पीछे पीछे अभी बकरा था ना इसी की आवाज थी, सुन लो। ताकि फोटो कौन बन रही, तो ताकि वीडियो बन रही है, बोल लो ते बक लो, कोई बात नहीं। ये देखो शुभम है, ये बहुत ही बढ़िया। अभी मैंने सोचा था कि मेरा वो दोस्त था जिसके स्कूटी पे हम साथ गए थे वो उधर निकल जाएगा, और मैं इधर से बस से निकल जाऊंगा, लेकिन क्योंकि उधर उसके साथ जाता, उसके घर पे मैं जाता फिर निकलता, तो वो
बहुत दूर का चक्कर पड़ जाता, लेट हो जाता, तो सोचा वो उधर से निकल जाएगा, मैं इधर से निकल जाऊंगा। लेकिन 2 मिनट पहले जस्ट वो बस निकल गई, और बस निकल गई तो अब मेरे को थोड़ा दूर जाना पड़ रहा है। अभी मैं लिफ्ट लेके तो आ गया, इधर से कोई और साधन मिलते नहीं है, तो लिफ्ट लेके तो मैं थोड़ी दूर आ गया। अब थोड़ा सा बचा है, वहाँ से तो मेरे को फिर खूब सारी बसें मिल जाएगी हाईवे से। तो जब ऐसे जगह पे जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले साधन नहीं चलते, वहाँ पे फिर पैदल पैदल भटकना पड़ता है। मैं गाँव भी जाता हूँ तो बस तो बहुत दूर उतार देती, फिर पैदल पैदल चलना पड़ता है। तब ऐसा लगता है कि अपन क्यों जी रहे हैं ज़िंदगी में, क्या ही किया अपन ने, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अचीव करना है ज़िंदगी में, बहुत आगे बढ़ना है। कम से कम खुद का तो सुख पाए ना, दूसरों को तो देश के न देश के वो तो बात की बात है, लेकिन अभी तो खुद के लिए बहुत कुछ करना पड़ रहा है। देखना कहाँ कहाँ परेशान हो रहे, कहाँ कहाँ ठोकरे खा रहे हैं। ये कितना मस्त रास्ता है, देखो इतना मस्त रास्ता है। ये आपका भाई, ये प्यारा सा सनसेट, और ये दूध वाले भैया। इधर से मैं चल के आया हूँ, और वो सामने आपको रोड दिख रही होगी, जूम करके दिखाता हूँ, वो वाली सामने, वो वहाँ अपने को बस मिल जाएगी। वो तो हाईवे, वहाँ से तो मिनट मिनट में बसें निकलती रहती है। फाइनली मैं यहाँ मेन रोड पर बस स्टैंड पे आ गया, यहाँ से तो अपने को बस मिल जाएगी। शाम होते होते फाइनली वापस रूम पे पहुँच गया, गले में होने लगे दर्द, इसलिए दूध लेके आया, गर्म करके दूध पियेंगे या चाय बना के अच्छी सी पियेंगे, तब जाकर फिर से ठीक होगा। चलो इस ब्लॉग को करता हूँ मेरी बहन, यह था मेरे दोस्त की, भाई मान लो दोस्त मान लो, साथ पढ़ा हुआ था मेरा उसकी शादी। पहुँच गया मैं वापस घर, आ गए घर मतलब रूम पर आकर, और वापस अपनी जगह पे आकर जो सुकून मिलता है ना वो कहीं नहीं मिलता। थक गया हूँ बहुत बुरी तरीके से, पैर वैर दर्द हो रहे, और थोड़ी हालत भी वापस डाउन हो रही है। कभी ना एक बार तो हालत को देखते मैं कैंसिल कर रहा था, आप भी बोलोगे तरी ऐसी हालत और रुकी थी, फिर भी शादी ब्याह में जाने की क्या जरूरत थी। भाई की शादी बार बार नहीं हुई, एक बार ही हुई, और वो मेरे को ना कोई भी चीज़ को यादगार कि वो चीज़ें यादगार तो रहेगी ना, कि भाई की इस टाइम शादी हुई थी, मैं शादी में गया था, इसीलिए मैंने व्लॉग भी शूट किया है। और बाकी वहाँ तो ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाया, लेकिन फिर भी भाई के साथ में थोड़ा सा, वो भी अपने दोस्त वगैरह बहुत सारे आ रहे थे, उनसे मिलने में बिजी था, एक दो फोटो भी लिए, वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। खैर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय टाटा। और अपने भाई को नई जिंदगी में एक नई जीवन शुरू हो रहा है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, उनकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ हैं, और जो अब मेरिड लाइफ है वो अब शुरू होने वाली है, तो उसके लिए एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी तो शायद भाई भी ये ब्लॉग नहीं देखेगा, लेकिन किसी दिन अपन भी थोड़े फेमस हो जाएंगे, तभी भाई ये ब्लॉग देखेगा तो याद तो रहेगा ना, और अपने लिए भी यादें रहेगी ये ब्लॉग। हाँ कुलदीप नाम है भाई का, कुलदीप से बच मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।